नमस्कार दोस्तों। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का सवाल है कि सर हमारा जो अभी अपकमिंग CBSE का एग्ज़ाम है तो उसके लिए हमें कौन सा क्वेश्चन पेपर अच्छे से ध्यान देना होगा, और अगर सिर्फ हम लोग क्वेश्चन पेपर पढ़ के जाते तो क्या हम लोग पास करेंगे या फिर नहीं। तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि आप जैसे कि सर आपका 2024 का एग्ज़ाम है, नॉर्मली स्टूडेंट लोग करते क्या 2020 और 22 का क्वेश्चन पेपर देख के जाते और लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर को अवॉइड करते। देखिए ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए ठीक है, तो आपको जितना भी क्वेश्चन पेपर है उन सभी क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से स्टडी करना होगा ताकि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न के बारे में आइडिया मिल सके। सिर्फ 20 और 22 का क्वेश्चन पेपर के भरोसे आप लोग मत जाइएगा। और एक सवाल जो स्टूडेंट लोग पूछ रहे हैं कि सर अगर हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पेपर पढ़ते तो क्या हम लोग पास कर लेंगे। देखिए कभी कभी होता है कुछ सब्जेक्ट्स में कुछ प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर से 50, 60, 70% भी कॉमन रहता है, लेकिन आप लोग सिर्फ क्वेश्चन पेपर के भरोसे मत जाइए। आप लोग पहले टॉपिक को स्टडी कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पेपर को अच्छे से स्टडी कीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम का एक पैटर्न क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में एक आइडिया हो सके। तो जहाँ तक FIUG का सवाल है, थर्ड सेमेस्टर का तो भी पहला बार एग्जाम है, उनका तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ही नहीं है, और फर्स्ट सेमेस्टर का सिर्फ एक ही बार एग्जाम हुआ था। आप लोग उसका एक आइडिया लेके एक रेफरेंस ले सकते हैं कि मेरा इस पैटर्न में क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं आशा करता हूँ मैंने आपके साथ जो भी बातें शेयर किया इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।